हम भारतीयों को ना भूलने की बहुत बुरी आदत है, हर चीज को बहुत जल्दी भूल जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, कोलकाता में अभी एक डॉक्टर का रेप एंड मर्डर केस जो है उसको भी हम भूल गए हैं। अभी कुछ दिनों तक हर सोशल मीडिया से लेकर के न्यूज चैनल तक इसकी हर जगह चर्चा थी, उसको अब भूल गए हैं। और ऐसा नहीं है कि ये प्रोटेस्ट खत्म हो गया है, कोलकाता में अभी चल रही, कोलकाता में ही नहीं इंटरनेशनल लेवल पर ये पहुंच गया है प्रोटेस्ट। आपको बता दूं कि 125 शहर में, दुनिया भर के 25 देशों के 125 शहर में ये प्रोटेस्ट अभी भी चल रही है। आप ये सोच रहे हो कि इंडिया में ये न्यूज क्यों नहीं आ रही है, भाई इंडिया तो छोड़ो, कोलकाता के जो लोकल लैंग्वेज में, बंगला लैंग्वेज में बहुत सारे न्यूज चैनल या फिर यूट्यूब या फिर और भी कोई सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर कोई भी इसके ऊपर अब भी जवाब उठा रहा है, तो कम्युनिटी गाइडलाइंस दे करके उसकी वीडियो रिमूव कर दी जा रही है, पूरा सख्ती बरती जा रही है, कुछ भी नहीं इसमें कर रहा है। बस एक ही चीज किया जाए काम करने की बजाय, सिर्फ ये वहां पे जो न्यूज है उसको फैलने से कम करो। अभी भी ये प्रोटेस्ट चल रही है दुनिया भर के 25 देशों में, 125 शहर में प्रोटेस्ट अभी भी चल रही है, डॉक्टर्स की मांग अभी भी है और सारी जायज मांग है। भाई ये ऐसा सरकार क्यों कर रही है, सिंपल सी बात है, इसके साथ साथ सरकार की फेलियर भी सामने दिख रही है, क्योंकि क्या व्यवस्था है वहां पे, कुछ डार्क साइड में कुछ चल रहा था हॉस्पिटल में, जिसकी पता उनको चल गया था, जिसके कारण उनको मार दिया गया है। ऐसी कॉन्स्पिरेसी है कि कुछ लोग ऐसे बोल रहे हैं उस बंदे को हायर किया गया था उसको मारने के लिए। बहुत ऐसी चीज है जो कि अंधेरे में है, हालांकि वहां की पुलिस बता रही है कि हम सीबीआई की सहयोग करेंगे, मगर कितना सहयोग करेंगे, मर्डर के 16 घंटे बाद भी वहां की जो पुलिस थी या फिर जो व्यवस्था था कुछ ने अभी तक उसको रिपोर्ट भी नहीं किया था, केस भी रिपोर्ट नहीं किया था 16 घंटे बाद तक, मर्डर के 3-4 घंटे बाद उसके परिवार वालों को दर्शन करने को मिला गया था कि देखा जाए कि क्या कुछ हुआ है। तो कोलकाता में क्या चल रहा है, कौन है इसके पीछे, आपको क्या लगता है, क्या ये सरकार अपनी फेलियर को छुपाने के लिए इस प्रोटेस्ट को कमजोर करने पर रुकी हुई है, क्योंकि दुनिया भर में ऐसा कुछ चल रहा है, दुनिया भर की डॉक्टर डिमांड कर रही है। इतनी तो नहीं है कि अनपढ़ बेवकूफ या फिर ऐसा कोई व्यक्ति बैठा हुआ है प्रोटेस्ट में, वो बस मांग कर रही है, आगे की 3-4 मांग है जिसमें उनकी सेफ्टी का ध्यान रखा जाएगा, साथ ही साथ जो हॉस्पिटल है जहां पे वो रहते हैं उनकी अलग से व्यवस्था की जाए डॉक्टर्स के लिए, लेडीज डॉक्टर्स के लिए अलग रेस्ट करने की, ऐसे ढंग के कुछ ऐसे मांग है। फिर भी सरकार क्यों सारी वीडियो को हटा दे रही है, क्यों कुछ भी हो सबको कम्युनिटी स्ट्राइक दे दे रही है, या फिर सोशल मीडिया पे जो भी इन्फ्लुएंसर है उसको धमकियां तक आ रही है। भाई धमकियां भी आ रही है कि भाई ऐसा करोगे तो उसको डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है, पुलिस पॉलिटिकल सारा पावर से। आपको क्या लगता है इसमें किसकी मिली भगत है, राज्य सरकार है, केंद्र सरकार सम्मिलित है, या फिर सारी जो इसमें है वो सम्मिलित कौन है जो चाह रहे हैं कि भाई हमारी पोल ना खुले, क्योंकि हर सरकारी हॉस्पिटल का यही हाल है, हर जगह का यही हाल है, सारे सरकारी दफ्तरों का भी यही हाल है, तो सरकार की जो ये गंदी चेहरा है वो भी दिख ना जाए, इसलिए शायद हो सकता है कि इसके पीछे कौन है क्या है। सीबीआई तो जाँच करती रहेगी, हर चीज़ की जाँच होती है और लंबे ठंडे बस्ते में चली जाती है, मगर आज कोई भी इसको याद नहीं कर रहा है। आपको बता दूँ कि अभी तक डॉक्टर्स की मांग पूरी नहीं हुई है और कंटिन्यू प्रोटेस्ट चल ही रहा है, इसीलिए बोलते हैं कि हम भारतीयों को भूलने की बहुत पुरानी आदत है, हर चीज़ भूल जाते हैं, हर चीज़ को बड़ी तेज़ी से भूलते हैं, और जो कि काफ़ी नुकसान होता है। अभी कुछ दिन पहले कन्हैया कांड हुआ था, ऐसे हर रोज़ हर जगह कुछ ना कुछ कांड होते रहते हैं, रेप तो आए दिन हर जगह होता है, कुछ मीडिया में आते हैं कुछ नहीं आते हैं, गाँव में तो ऐसे है कुछ इज्जत बताने के डर से बताते नहीं है, मगर जहाँ की डॉक्टर सेफ ना हो, जिसको हम धरती का भगवान बोलते हैं वही सेफ ना हो, वहाँ पर क्या कहेंगे आप। अभी तक वहाँ पर प्रोटेस्ट चल रहा है, आज की डेट में वीडियो बना रहा हूँ, अभी वहाँ प्रोटेस्ट है, चल रहा है, महीनों से चल रहा है, आगे कब तक चलेगा पता नहीं है, क्या कुछ निर्णय लिया जाएगा, डिमांड पूरी की जाएगी, इंसाफ उनको मिलना अलग बात है, उनको इंसाफ मिल गया तो अपराधी पकड़ा गया वो चलेगा, मगर आगे से ऐसा ना हो इसके लिए क्या कुछ किया जा रहा है, इसके ऊपर कुछ नहीं अभी तक दिख रहा है। अगर सरकार इस पर कुछ काम करती तो जो वाजिब डिमांड है डॉक्टरों के, उनकी सेफ्टी को लेकर के, उसको तो एटलीस्ट मान लेना चाहिए। बाकी सरकार है, देश है, चलती है, चलती रहेगी, चाहे वो वेस्ट बंगाल में या कुछ भी, वेस्ट बंगाल में कुछ ऐसा ही होता है, वहाँ पे तो आए दिन मर्डर हो जाते हैं, कुछ भी छोटी छोटी बात को लेकर के मर्डर हो जाते हैं, रोहिंग्या जो आ रहे हैं उधर से कौन क्या है, मतलब 2,000 में जो बांग्लादेशी है उनके इंडियन पहचान पत्र बनने की खबरें आए दिन आती रहती है, कितनी सच है कितनी झूठ है इस पे तो सरकार ही निर्णय करेगी या फिर वहाँ के लोग ही बता पाएंगे, मगर सरकार क्या निर्णय करेगी और वहाँ की सरकार या फिर हमारी केंद्र की सरकार क्या कुछ कर रही है आम जनता के लिए वो दिख रहा है, क्योंकि जहाँ पे डॉक्टर सुरक्षित नहीं हो वहाँ पे और क्या कुछ होगा। आप बताइए, आप क्या बोलते हैं।